हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं फ्रूट कस्टर्ड। ये काफ़ी इजी एंड इंस्टेंट डेजर्ट होता है और बच्चों को काफ़ी पसंद आता है। मैं इसमें आपको जो मेजरमेंट बताऊंगी, अगर आप उस मेजरमेंट से इसे बनाएंगे तो आपके कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी परफेक्ट होगी और ये बहुत ही डिलीशियस बनेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 लीटर दूध लिया है, ये मैंने बॉइल्ड मिल्क यूज़ किया है। अगर आप डायरेक्ट ले रहे हैं तो पहले आप मिल्क को बॉईल कर लें, उसके बाद इसमें शुगर ऐड करें। मेरा ऑलरेडी बॉईल था इसलिए मैं यहाँ पे हाफ़ कप शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। शुगर को दूध के साथ मैंने मिक्स कर लिया है। अब लो हीट पे मैं इसे 5 से 10 मिनट तक पकने दूंगी। एक बार ये दूध पक जाए फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या करना है हमें। ये देखिए, यहाँ पर हमारा दूध अच्छी तरह से पक चुका है, काफ़ी रिड्यूस भी हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर हम डायरेक्ट इसमें नहीं डालेंगे, जबकि हम रूम टेम्परेचर का मिल्क लेंगे हाफ कप, उसमें हम डालेंगे 5 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पे मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया है, आप अपने प्रेफरेंस का कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर सकते हैं। इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, इसमें कोई लंप नहीं होना चाहिए। फिर इसको हम दूध में डालेंगे। दूध में डालते वक्त भी हमें इसका ख्याल रखना है कि हमें दूध को एक हाथ से हिलाते रहना है और एक हाथ से हमें कस्टर्ड पाउडर को इसमें डालना है। कंटिन्यूसली हमें इसे स्टर करते रहना है, इसमें हमें लंप नहीं बनने देना है। अगर लंप बन गया तो ये पूरा टेस्ट ख़राब हो जाएगा, तो इसका यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। यहाँ इसमें देखिए थिकनेस आना शुरू हो गई है। हम इसे इसी तरह कंटिन्यूसली स्टर करते हुए 1 से 2 मिनट और पकाएंगे और इसे थिक होने देंगे। ये देखिए, हमें जितनी थिकनेस चाहिए यहाँ पर वो इतना थिक हो गया है। हम यहाँ पर गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। इससे ज़्यादा थिक नहीं करना है, क्योंकि जब हम इसे ठंडा करेंगे तो ये और थिक हो जाता है। तो इतनी ही थिकनेस पे हमें इसे हटा लेना है और या फ्रिज में या फिर रूम टेम्परेचर पे हम इसे रख के ठंडा कर लेंगे। मैंने इसे 2 घंटे फ्रिज में रख दिए थे, अब ये एकदम ठंडा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे फ्रूट्स। यहाँ पे मैं हाफ कप एप्पल डाल रही हूँ, उसका स्किन मैंने पील कर लिया और उसे बारीक चॉप कर लिया है। अब यहाँ पे डाल रही हूँ मैं कीवी, कीवी को भी पील करके मैंने कट कर लिया है। ड्रैगन फ्रूट्स हमें छोटे छोटे टुकड़ों में ही कट करना है। हाफ कप अंगूर लिया है, अंगूरों को भी मैंने बीच में से 2 टुकड़े कर दिए हैं। अब यहाँ पे डाले हैं मैंने ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज मैंने बहुत थोड़ा सा यूज़ किया है, 1 टेबल स्पून, और 2 बनाना मैंने चॉप कर लिए थे वो डाल दिए हैं। अब मैं इन सबको मिक्स कर लूँगी। इसमें आप अपनी पसंद के कोई भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है जो फ्रूट्स का वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे कि वाटरमेलन हो गया या सिट्रसी फ्रूट जैसे कि संतरे हो गए, वो इसमें अवॉइड करें। इनकी वजह से आपके कस्टर्ड का टेस्ट ख़राब हो सकता है और वो लिक्विडी हो सकते हैं। रेस्ट आप इसमें अनार डाल सकते हैं, मैंगो डाल सकते हैं। मैंगो कस्टर्ड में बहुत अच्छा टेस्ट देता है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं छोटे छोटे चॉप करके। यहाँ पे मैंने मिक्सिंग कर ली है, अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे सर्व कर लिया है, अब ये खाने के लिए रेडी है। पर मैं इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग करूँगी कि ये थोड़े खूबसूरत लगे। गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ पे मलबेरी यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट यूज़ कर सकते हैं या इस स्टेप को कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल कर दिया है, आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी ड्राई फ्रूट इस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं। बस अब ये हमारा खाने के लिए एकदम रेडी है। देखिए ये काफ़ी इजी है, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। हार्डली कोई टाइम लगता है इसकी कुकिंग में, सिर्फ इसे ठंडा करने का थोड़ा सा वक्त लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल होम फूड स्टेशन को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी थी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं, शब खैर।